देसी स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैक्रोनी पास्ता। सब्जियों में हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम, इसको मैं डाइस शेप में कट करके ली हूँ। 1 मीडियम साइज़ का गाजर, इसको भी चॉप करके डाइस शेप में कट करके ली हूँ। इनफैक्ट मैं सारे वेजिटेबल्स को डाइस शेप में कट करके ली हूँ। 1 मीडियम साइज़ का अनियन, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इससे पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 कप मोज़रेला चीज़, आप इसकी जगह कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 चॉप्ड गार्लिक, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, आप इसकी जगह ग्रीन चिल्ली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगैनो, पिज़्ज़ा मिक्स, सॉल्ट एंड ऑयल। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैं गैस पे 1/2 लीटर पानी गर्म होने के लिए रखी थी, उस पर मैं अभी पास्ता को ऐड करूँगी और उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। फ्लेम मेरा हाई ही है, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी और फिर 1 चम्मच तेल इसमें ऐड करूँगी। तेल ऐड करने पर पास्ता जो है वो चिपकते नहीं हैं और खिले खिले बनते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए 5 से 6 मिनट इधर हो चुका है, तो ढक्कन खोल के मैं इधर चेक कर ले रही हूँ। ये देखिए पास्ता जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया है, तो इसको अच्छे से स्ट्रेन करके पंखे के नीचे अभी हम पास्ता बना लेंगे। उसके लिए मैं गैस पे कढ़ाई गरम होने के लिए रखी थी, कढ़ाई गरम हो चुका है, तो अभी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसको स्प्रेड करके अच्छे से गरम होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए ऐसे तेल गरम हो चुका है अभी, तो अभी हम इसमें चॉप करके जो लहसुन और हरी मिर्च रखे थे उसको ऐड करूँगी। उससे पहले फ्लेम को लो कर दी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। 1 से 2 मिनट हो चुका है, तो इस पर अभी मैं जो चॉप करके अनियन रखी थी उसको ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है, तो अभी मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। सूखा मसाला ऐड कर रही हूँ इसीलिए मेरा फ्लेम जो है वो लो पे है। अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, फिर ये थोड़ा अच्छे से पकने के लिए थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करूँगी, बस ज़रा सा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, तो ये सब अच्छे से भुन गया है, तो अभी मैं इसमें जो चॉप करके गाजर रखी थी उसको ऐड कर ले रही हूँ और फिर अभी मैं कैप्सिकम को ऐड करूँगी इसमें। इन दोनों का अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर लास्ट में जो टमाटर हम कट करके रखे थे उसको ऐड करूँगी। ये देखिए हमारा जो है सब्ज़ी वो कितना कलरफुल लग रहा है, अभी से ही डिलीशियस लग रहा है। अच्छे से पकने के लिए फ्लेम को मीडियम करके थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि सॉस में नमक रहता है। तो अभी अच्छे से पकने के लिए ढक के 2 से 3 मिनट के लिए इसको, तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो ढक्कन खोल के चेक कर ले रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से पक गया है, इससे ज़्यादा हमको नहीं पकाना है क्योंकि इसमें क्रंचीनेस रहने पर ही अच्छा लगेगा। तो इस पे अभी मैं सॉस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम मेरा लो पे ही है, तो अभी मैं 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप को ऐड करूँगी। सॉस ऐड करते टाइम फ्लेम आपका लो पे रहना चाहिए, तो इन दोनों को पहले अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अभी हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे से पास्ता कैसे खिला खिला बना है और बिल्कुल अच्छे से पका भी है, तो इसको ऐड कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं पास्ता को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, ये देखिए ऐसे। तो अभी हम इसमें इटालियन फ्लेवर थोड़ा ऐड करेंगे, देसी स्टाइल में भी ये अच्छा
लगता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑरिगेनो, ऑरिगेनो बस ज़रा सा आपको डालना है, और फिर लास्ट में ये पिज़्ज़ा मिक्स। अगर आपके पास ये तीनों अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह सिंपली गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और थोड़ा सा इधर नमक ऐड करूँगी। ध्यान रखिए नमक हम पहले भी ऐड किए हैं और सॉस में भी रहता है, तो नमक हिसाब से डालें। तो ये देखिए लास्ट में मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी, आप इसकी जगह चीज़ स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये देखिए, और अभी मैं ये चीज़ को मेल्ट होने के लिए ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है तो मैं ढक्कन खोल के चेक कर ले रही हूँ। चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट हुआ है क्योंकि हम इसको इंडियन फ्लेवर में बना रहे हैं, तो इस पे मैं लास्ट में ऐड करूँगी धनिया पत्ता, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है ये और भी थोड़ा बढ़ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पूरा आ जाए। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो अभी मैं ढक्कन खोल के इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ये देखिए चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है। ओ माय गॉड, लग रहा है ना बिल्कुल माउथ टेम्पटिंग। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं गैस को ऑफ़ करके इसको ढक दूँगी। तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट ली हूँ और ये देखिए इसको मैं एक सर्विंग प्लेट पे निकाल ले रही हूँ। ये बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है, तो आप भी इसको बना के एंजॉय करिए।